हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना नेटवर्किंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम उसी तरीके से सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करेंगे। इस सिस्को पैकेट ट्रेसर पे मैंने डबल क्लिक किया है, अब ये ओपन होगा। अच्छा, जब तक ये ओपन हो रहा है इसमें मैं आपको बताता चलूँ, हमने जो पहला लेक्चर किया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने दो से लैपटॉप को आपस में कनेक्ट करवाया था। तो आज हम इस तरह की टोपोलॉजी देखेंगे कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो हम उनको किस तरीके से अटैच करवा सकते हैं, उनका आपस में कनेक्शन किस तरीके से करवा सकते हैं। तो इसके लिए चलें, दो लैपटॉप से ज़्यादा ले लेते हैं। ये पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में गाइडलाइन दी है कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। ये लेफ्ट कॉर्नर पे आपको बॉटम में ये दिख रहा है एंड डिवाइस जो है, ठीक है, इस पर हमने आके क्लिक किया। ये आप देख सकते हैं ये लैपटॉप्स हैं और पीसी, इसमें से आप कोई भी उठा लें। मैंने एक ये कंप्यूटर को क्लिक करके, दूसरा ये लैपटॉप को क्लिक किया और ये तीन, मैं तकरीबन 4 से 5 पीसीज को आपस में कनेक्ट करवा लेता हूँ। ये 4, ये 5। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 पीसीज का आपस में कनेक्शन, आज हम 5 पीसीज को आपस में कनेक्ट करवाएंगे। इसके लिए हमें जो है वो एक डिवाइस चाहिए होती है, स्विच। और ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट जो डिवाइस है ये राउटर, इधर नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। ये साथ मैंने एक दूसरी डिवाइस पे माउस लेके आया, तो ये साथ नीचे आपको शो हो रहा है स्विचेस, इस पर क्लिक किया मैंने। और ये सामने आपको स्विचेस शो हो रहे हैं, इसमें से मैं कोई भी एक स्विच उठा लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया। अब इसके बीच में हमने फिजिकल कनेक्शन करवाना है जिसके लिए हमें वायर की ज़रूरत होगी, तो ये वायर का निशान है लेफ्ट साइड पे बॉटम में, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये वायर्स आ गई हैं। इसमें जो फर्स्ट वाली है वायर, इसको अगर आप क्लिक करते हैं और स्विच पे जाके और पीसी पे जाके क्लिक करते हैं तो देखें ये इसने कनेक्शन करवा रही है, आपस में इनका फिजिकल कनेक्शन हो गया। वापस इसी को मैं उठाता हूँ, यहाँ पे लाया और दूसरे पीसी के साथ स्विच से तीसरा कनेक्ट किया, सेम 4 और सेम 5। अब आप ये देख सकते हैं ये जो नोड्स हैं यहाँ पे ये ग्रीन हो गया है सब का, और ये ऊपर भी। अब हमने इसको बेसिक जो इनकी है कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इनको आईपीज़ असाइन करनी है। तो आईपीज़ हम किस तरीके से असाइन करेंगे, हमने सिंपल जाना है पीसी पे, सेम हमने आ जाना है डेस्कटॉप, सेम यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। इसको मैं क्लास ए की आईपी दे देता हूँ, 1.1.1.1। इसका सबनेट मास्क जो है वो है 255.0.0.0, और इसी तरह हमने बाकी लैपटॉप पे जाके आईपी असाइन कर देना है। इसको मैंने क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, क्लास ए का ये आईपी होगा इन सब पे, 1.1.1.2। सबनेट मास्क पे मैंने क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट वो सबनेट मास्क उसने क्लास ए का दे दिया। लैपटॉप 3 को मैंने ओपन किया है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेम प्रोसेस 1.1.1.3, सबनेट मास्क। लैपटॉप 4 पे आए, पीसी 4, डेस्कटॉप पे जाएंगे, सेम प्रोसेस है सारों का, सो 1.4 और सबनेट मास्क आ गए,
पीसी 5 पे आके क्लिक किया, डेस्कटॉप की ऑप्शन पे आएंगे हम, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 1.1.1.5, बल्कि इसको मैं नहीं करता, लैपटॉप 5 को मैंने कनेक्ट नहीं किया, कोई भी आईपी असाइन नहीं किया। अब जो ये स्विच होता है, इस स्विच को हम कोई भी आईपी असाइन नहीं करते, स्विचेस पे हमें आईपीज की जरूरत नहीं होती। अगर इसकी जगह अगर राउटर होता तो वहां पे हमें इसको आईपी असाइन करनी पड़ती, लेकिन जो स्विच है उसको हम कोई भी आईपी नहीं देते। अब मैं पीसी 1 पे आया हूँ, इसको मैंने क्लिक किया और इसके मैं डेस्कटॉप पे ही हूँ और ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आके मैं अब चेक करूंगा कि इसका कनेक्शन बाकी पीसीज के साथ है या नहीं। इसके लिए मैं कमांड लिखूंगा पिंग और दूसरे जो लैपटॉप है उसका आईपी एड्रेस 1.1.1.2 के साथ मैं चेक करता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं कि सेंड फॉर रिसीव फॉर लॉस 0, ठीक है। और अगर इसी को मैं पिंग करता हूँ लैपटॉप 3 के साथ, ये उसके साथ भी आप ये चेक कर सकते हैं हो रहा है। और अगर मैं पिंग करता हूँ 4 के साथ, ये 4 के साथ भी हो रहा है। लेकिन अब मैं अगर इसको आईपी देता हूँ पिंग 1.1.1.5, अब हम चेक करते हैं क्या ये पिंग होगा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, ठीक है, मतलब ये जो लैपटॉप 1 है ये 5 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने लैपटॉप 5 पे कोई आईडी नहीं दी, आईपी एड्रेस हमने नहीं दिया। अब मैं ये आप देख सकते हैं सेंड 4 रिसीव 0 लॉस्ट 4 100% लॉस्ट, पैकेट्स जो हैं वो आपके सारे लॉस्ट हो गए हैं, उसको जो आईपी 5 है वो कहीं पे भी नहीं मिली क्योंकि हमने आईपी 5 किसी को असाइन नहीं की। अब हम चलते हैं पीसी के पे, यहाँ पे आते हैं, अब इसको मैं आईपी असाइन करता हूँ 1.1.1.5। सबनेट मास्क पे आए, बाय डिफॉल्ट आगे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज किया। अब मैं पीसी 1 से ही पीसी 5 को करूंगा वापस, पिंग की कमांड है 1.1.1.5। अब मैं इसको चेक करता हूँ, अब आप देख सकते हैं ये ऊपर देखो मैंने पहले किया था पिंग की कमांड से, ठीक है, आईपी दी मैंने और टाइम आउट आ रहा था। फिर मैं लेफ्ट पीसी 5 पे गया हूँ और वहां पे जाके मैंने उसको आईपी दिया है, उसके बाद जब मैंने पिंग की कमांड दी है तो ये यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सेंड 4 रिसीव 4 लॉस 0%। और इधर अगर आप ऊपर देखें इस जगह पे सेंड 4 रिसीव 0 लॉस 4, पहले हमने कोई आईपी नहीं दिया हुआ था यहाँ पे तो वो लॉस्ट हो रहा था, उसके बाद जब मैंने आईपी दे के उसके बाद पिंग की कमांड दी इस जगह पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसने आउटपुट दी हमें पैकेट सेंड 4 रिसीव 4 लॉस्ट 0। इसका मतलब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप इनको बाकी पीसी से भी चेक कर सकते हैं, अगर मैंने कोई और खोला है, पीसी नंबर 3 को ओपन किया है, ठीक है। अब इसके मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आया हूँ और यहाँ पे मैंने पिंग की कमांड दी है, पिंग की कमांड दी है और 1.1.1.5। आप ये देख सकते हैं कि ये आपस में पिंग हो रहा है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।